नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBI बैंक का ATM कार्ड कैसे ब्लॉक करना है, तो वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों अगर आपका ATM कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है और आप ATM कार्ड ब्लॉक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ATM कार्ड प्रॉपर कैसे ब्लॉक करना है, और आपको एक अच्छी बात यह है कि बिना ATM कार्ड नंबर के ही आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारा यूट्यूबर आपको बताया होगा कि आप लास्ट 6 नंबर से बंद करें, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना कोई नंबर के, यानी कि आपको ATM कार्ड नंबर पता नहीं है, ATM कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, तो आप बिना ATM कार्ड नंबर के ब्लॉक कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का वेबसाइट खुलेगा और हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। कमेंट बॉक्स में हम आपको इस वेबसाइट का लिंक दे देंगे, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और ऐसा पेज खुलेगा। इसमें लिखा हुआ हिंदी में कैसे कैसे ATM कार्ड ब्लॉक करना है, तो आपको अगर आपके पास टाइम है तो इसे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ बताए हैं हम आर्टिकल में। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, और धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई देगा वेबसाइट लिंक, ठीक है, तो यहाँ पे एक इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या बंद करने का तरीका है। हालाँकि मैंने इस वीडियो में अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है, और नीचे आपको आना है और यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। दोस्तों बहुत आसान तरीका से आप ATM कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, और ये मेरा नया वीडियो है और ये नया तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम खाता संख्या डालेंगे, कंट्री कोड हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी अदर स्टेट से तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है, हम इंडिया सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हम लाइव फिलअप कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, देख सकिए यहाँ पर। देखिए अकाउंट नंबर फिलअप किया हमने, अब मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर दिए, अब कैप्चा कोड फिलअप करते हैं 1E77E7A6, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो बैंक में होगा उस पर OTP आएगा, ठीक है। जस्ट OTP आएगा, अभी आ गया है आप देख सकते हैं, ठीक है, OTP अभी आएगा, तो OTP आ गया है 142-993-893, ठीक है। देखिए OTP आया है 142-893 और सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपके नाम से जितना भी ATM कार्ड इशू होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ATM कार्ड हमारा एक्सपायर हो गया है तो इससे कोई मतलब नहीं, एक्सपायर यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अगर आपका एक ही ATM कार्ड होगा तो यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्टिव है हमारा ये ATM कार्ड, मान लीजिए चोरी हो गया, खो गया है, हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है, टिक करेंगे और यहाँ पर हमें कार्ड नंबर सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। रीज़न सेलेक्ट करेंगे हम क्यों बंद कर रहे हैं, मतलब रीज़न कि हम टेम्परोली परमानेंटली, दोनों ऑप्शन है। अगर आपका कार्ड घर में कहीं पे खो गया है घर में, तो आप टेम्परोली बंद कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड ट्रेन में चोरी हो गया है जो कि मिलने का संभव नहीं है, तो आप परमानेंट ही बंद कर दो, ठीक है। यहाँ परमानेंट पे क्लिक करेंगे, अगर आप टेम्परोली कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परोली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और फिर से एक कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्म करेंगे आप, आपके नंबर पे 1 टाइम OTP आएगा, ठीक है। तो हम टेम्परोली सेलेक्ट करते हैं क्योंकि परमानेंट बंद करेंगे तो ये फिर चालू होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्म कीजिएगा, और जब आप कन्फर्म करेंगे तो योर सेलेक्ट डेबिट कार्ड नंबर हैज़ बीन ब्लॉकेड, हमारा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। हालांकि OTP यहाँ पे आया नहीं है, और मेरा ATM कार्ड ब्लॉक करना था नहीं, क्योंकि वीडियो बनाना था इसलिए मैंने कर दिया है, तो ये टेम्परोली था, फिर इसको हम चालू कर लेंगे। हालांकि इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, आगे कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो कि अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो अच्छी जानकारी सबको मिल जाएगा।